मैंने सोचा कि इतना आसानी से तो नहीं देते चॉकलेट उसको, कुछ तो ट्विस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो सरप्राइज देना पड़ेगा। सो मान वी रेडी फॉर द सरप्राइज? हाँ मैं वेट कर रही हूँ। क्या है? वाओ, ओह माय गॉड, शुभम इतनी बड़ी डेरी मिल्क, आर यू सीरियस? यस, थैंक यू सो मच। बट गाइस मुझे आज बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली 2 दिन के बाद शुभम आया है एंड मैंने तुझे सच में बहुत मिस किया। हे गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज का सीन ये है कि मैं 2 दिन पहले गाँव गया था, 2 दिन के बाद आज बदलापुर आया हूँ। सो मैंने सोचा कि मानवी से मिल के आते, क्योंकि मेरे लिए 2 दिन मानवी से दूर बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि हम लोग ऐसे डेली मिलते और डेली साथ में ही रहते, इसके लिए मतलब बहुत लंबा, क्या बोलूँ, जल्दी जाते हैं। पहले बहुत एक्साइटमेंट है मानवी से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि जाते वक्त कुछ तो मानवी का फेवरेट चीज़ लेके जाऊँ, मतलब उसको क्या पसंद है, चॉकलेट्स वगैरह कुछ तो उसको जो फेवरेट है सोचना पड़ेगा। सो मैंने सोच लिया कि मानवी को डेरी मिल्क क्रैकल बहुत पसंद है, लेकिन डेरी मिल्क क्रैकर इधर मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेरी मिल्क क्रैकर थोड़ा कम रहता है, तो नहीं मिला तो नॉर्मल डेरी मिल्क लेके जाएंगे, बड़ा वाला। ये 2 ही है क्या? क्रैकल नहीं मिला ना? वो नहीं चाहिए, यही लेते हैं। सो डेरी मिल्क क्रैकल तो मिला नहीं, यही लेके जाते हैं अभी। सो मैंने सोचा कि इतना आसानी से तो नहीं देते चॉकलेट उसको, कुछ तो ट्विस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो सरप्राइज देना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। अभी उसको उसके बिल्डिंग के नीचे तो आ गया मानवी के, तो उसको कॉल करके नीचे बुलाते हैं। सो अभी मानवी को मैंने कॉल कर दिया, वो नीचे आ ही रही है, वेट करो वो अभी। ओ हाय, कैसी है? खूप दिवस आहेत ना ओ भाई, फायनली 2 दिवस, फक्त 2 दिवस, 2 दिवस माझ्यासाठी खूप आहेत। ओ माय गॉड, आज तू व्लॉग चालू केलं? ओ हो, वाव, अशी लाईक काहीच आदत नाही आहे ना, हमेशा मैं व्लॉग स्टार्ट करतो, इस बार शुभमने काय केलं? रियली सरप्राइज एक, क्या बाद में बताऊंगा। कुछ लेके आया? नहीं लेके नहीं आया, जा रहे हम लोग एक जगह। अच्छा चल, एक काम कर, गाड़ी के चाबी लेके आ, तेरे गाड़ी लेके, हाँ तेरे गाड़ी लेके जाना है। हाँ सच्ची में, कभी तो गाइस ये मुझे कभी नहीं बोलता कि मेरी गाड़ी लेके, आज क्या हो गया तुझे? ऐसे ही सोचा कि तेरी गाड़ी इस पे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको रेस्ट देते अभी, फिर मैं चलाऊंगा। हाँ ठीक है चलेगा। सच्ची? हाँ सच्ची मच्ची, जल्दी आ जल्दी आ, तेरा डिसीजन चेंज होने से पहले। हाँ सो गाइस, अभी मानवी को मैंने ऊपर भेज दिया चाबी लेने, मुझे कैसे भी करके उसके स्कूटी के डिक्की में वो चॉकलेट रखना है, उसको पता नहीं चलना चाहिए, और उसके साथ फ़ोन भी रखना है उसका रिएक्शन नोट करने के लिए। सो गाइस चाबी तो मैं लेके आ गई, बट ना मुझे कुछ तो डाउट हो रहा है, क्योंकि हमेशा शुभम मुझे कभी नहीं बोलता कि मेरी स्कूटी लेके जाने का, वो हमेशा उसकी बाइक की प्रेफर करता है। अगर मैं उसे बोलती भी हूँ ना सामने से कि मेरी स्कूटी लेके जानी है, वो नहीं बोलते, बट आज उसने डायरेक्टली क्यों बोला? आई एम वेरी डाउटफुल, क्यों चाबी? मैं खुद चलाने वाली हूँ स्कूटी, मैंने बोला था। ठीक है चला चल। हाँ तो मैं ही चलाऊंगी। ओके मैं वही बोल रही थी, मुझे कुछ तो डाउट आ रहा है तेरे पे। क्या डाउट? कुछ भी नहीं। तूने क्यों मेरी गाड़ी बोला? कभी तो बोलता नहीं। अरे अभी गांव से अभी सुबह ही आ गया ना, इसको थोड़ा रेस्ट देते, इसके लिए बोला। ओके मेरे लिए तो अच्छा, तू ऐसे डेली बोल, मैं तो डेली में मेरी स्कूटी निकाल सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूटी चलाना, बट ये इंसान खुद की बाइक लेके जाने का बोलता है हमेशा। मुझे ये अच्छा लगता है, कुकी अभी चल। हाँ चल। हाय काकू, बाय। मानवी की मम्मी थी, तू भी थोड़ा वॉकिंग कर मानवी। मैं करती हूँ हमेशा, बताने की जरूरत नहीं। सो मानवी रेडी फॉर द सरप्राइज? हाँ मैं वेट कर रही हूँ। क्या है, किधर जा रहे हैं हम लोग? वो आगे, आगे। नहीं बताया। चल तू, चलते जा चलते जा। ठीक है। सो गाइस मैं तो आ गई चलने, ये तो पीछे ही बैठा है, क्या पता नहीं क्या सरप्राइज है, सिर्फ ऐसे बोल रहा है सरप्राइज है, या मुझे तो लग रहा है प्रैंक कर रहा है वो अभी मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे अभी बोर है, अभी उधर ही वैसे ही बैठा है, तो मैंने सोचा चल चलते हैं, एटलीस्ट आए तो वॉकिंग तो करते, थोड़ा सा चल तो मेरे साथ। वो बोले नहीं, मैंने बोला रुक फिर मैं चल के आती हूँ, तो मुझे काम है ऐसे बोल रहा है, अभी क्या पता क्या काम है, क्या सरप्राइज देने वाला है, मुझे तो फुल अभी डाउट है, प्रैंक कर रहा है मेरे ऊपर, कुछ सरप्राइज वरप्राइज नहीं है उसका। सो गाइस थैंक गॉड मानवी अभी चली गई, मैं अभी सोच ही रहा था कभी जाएगी कभी जाएगी, सो अभी फाइनली आगे गई है, ये देखो आगे चल के जा रही है, मैं उसका ही वेट कर रहा था वो जाए और मैं चॉकलेट रखूँ, चॉकलेट और कैमरा रखूँ डिक्की में उसका रिएक्शन नोट करने के लिए, सभी रखते हैं और मिलते हैं।
सो गाइस अभी चॉकलेट इधर रख देते हैं और ये कैमरा बैक कैमरा करके रख देते हैं क्योंकि रिएक्शन नोट करने के लिए। क्या हुआ? सच में अभी बहुत इरिटेट कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है ऊपर। कुछ है भी या नहीं सरप्राइज, तो ऐसे पका रहा है। नहीं नहीं सरप्राइज है, मुझे तो लग रहा है कुछ तो प्रैंक चालू है तेरा मेरे पीछे। नहीं प्रैंक क्यों करेगा, दो दिन बाद कहाँ पे है सरप्राइज, इतना टाइम थोड़ी लगता है। सबर कर सबर कर, इतना सबर क्या है, कहीं पे जाना है हमें। नहीं तो यार पता ना, सच में अब भी मुझे अब भी जाना है। टाइम पता चल जाएगा, थोड़ा टाइम रख, सबर कर जरा। मानवी तू इतना गाड़ी चलाती है तो थोड़ा साफ भी रखा कर ना। क्यों धो लेगा गाड़ी? हाँ तो कितनी मैली हो गई है। आज नहीं क्लीन किया, वैसे हमेशा मैं क्लीन करके चलाती हूँ। रुक जा। ओह आई गेट इट। क्या यार शुभम तू भी, वाह ओह माय गॉड। क्या हुआ? आई गेट इट। क्या यार शुभम तू भी, वाह ओह माय गॉड। शुभम इतनी बड़ी डेरे में, आर यू सीरियस? यस। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा ये था सरप्राइज, कैसा है रे तू, कभी का देना चाहिए था तूने मुझे। इसके लिए इधर लेके। गाइस आई गॉट द डेरी मिल्क, ये आई एम सो हैप्पी शुभम यार, थैंक यू सो मच। बट ये मेरी एक्चुअली मुझे डेरी मिल्क पसंद है। मुझे मालूम है तुझे फेवरेट ये नहीं है, क्रैकल्स है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट वो इजीली मिलती नहीं, मुझे भी नहीं मिली ना, दो दुकान में गया किधर भी नहीं मिली। बट इट्स ओके, डेरी मिल्क तो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है बचपन से। तुझे अच्छा लगा ना? I'm happy. दो दिन बाद सुंदर चेहरा दिख रहा है मैं। क्या थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था पता है शुभम, मुझे लगा कुछ तो ऐसे ही कहीं पे लेके जाने वाला है या ऐसे ही कुछ तो देने वाला है। बाद में इधर तो मैं कन्विंस हो गई थी ये प्रैंक, मैंने बोला भी गाइस ये प्रैंक करे, मुझे इतना झूठ। मैं तो शुभम के, शुभम ऐसा है ना कि उसको लाइक फटाफट देने की बहुत जल्दी रहती है, इतना देर सरप्राइज के लिए नहीं रुकेगा कि मुझे लगा। बट लगा प्रैंक है। हाँ मुझे सच में प्रैंक है। प्रैंक क्यों करेगा? सो स्वीट। सो गाइस मेरे पास तो पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी भी चीज़ जल्दी आ जाए ऐसा लगता है। पता है पेशेंस की बहुत कमी है, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था कि अभी तक नहीं बता रहा इसलिए प्रैंक ही होगा। बट नहीं मेरे पास पेशेंस नहीं, लेकिन मेरे पास प्रेशर का पूरा भंडार है। मैं पेशेंस मेरे पास बहुत है। नाव कैसा? सो गाइस शाम हो गई, सनसेट भी हो गया, अभी हम लोग आए हैं इस तालाब के पास। शुभम यार बोला क्या बोलूँ मैं, मुझे थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू नहीं बोलने का इसमें, क्यों कभी थैंक यू बोलते हैं क्या? अभी मुझे पसंद है थैंक यू बोलना। शुभम का ऐसा मन हो रहा था कुछ तो खाने का, इसलिए हम लोग इधर आए कुछ तो खाने, और डेरी मिल्क भी तो खानी है। हाँ हाँ मानवी का ऐसा रहता है कि दोनों साथ में खाए, अकेले खाना नहीं रहता। हाँ ऑफकोर्स मैंने उसे बोला क्या मेरे अकेले के लिए, मैं ऑफकोर्स मैं तुझे दूंगी। और बोली इतनी बड़ी क्या मैं अकेले खाऊँ? हाँ नहीं नहीं ख़त्म भी नहीं होगी। बट गाइस मुझे आज बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली दो दिन के बाद शुभम आया है एंड मैंने तुझे सच में बहुत मिस किया। सच्ची में? हाँ एक्चुअली ना आप ऐसे सोचते रहेगा कि दो दिन ही तो है, इतनी क्या बड़ी बात है, बट हम लोग है ना रोज डेली मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा है दो दिन। हाँ मेरे लिए भी, क्योंकि हम लोग रोज डेली मिलते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा, हम एक साथ ही रहते हैं पूरा दिन के, लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द दिन हम लोग साथ में रहते हैं, तो बहुत आदत सी हो जाती है। फिर ऐसे एक दिन दूर गया ना तो ऐसे याद आने लगती है। बराबर राइट, देख तेरे मन की बात बोल दे मैंने। राइट सेम फीलिंग्स। वड़ा पाव खाएगी या मुग भजी? आई थिंक मुग भजी। ठीक है मुग भजी अब खाते हैं, ऑर्डर करके आता है। सो गाइस फाइनली मुग भजी भी आ गए सब, आज मानवी का फेवरेट ही है डेरी मिल्क मुग भजी। वाओ आई थिंक आज मेरा दिन है, दो दिन बाद आ गया ना इसके लिए यार। इतना क्या शुभम, सिर्फ दो ही दिन था तू? मेरे लिए दो दिन बहुत दूर की बात है।
बहुत लंबा है। हाँ लंबा है। चलो अभी जल्दी खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। और डेरमिल भी खाना है बाद में। हाँ पहले तो मूंग पे। आ मुझे खिला। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग। अभी हम लोग डेरमिल खा रहे हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।